नवरात्र शुरू होने में भले ही अभी एक सप्ताह शेष है, लेकिन जैसे जैसे नवरात्र नज़दीक आ रहा है, माता भक्तों में उत्साह बढ़ने लगा है। नवरात्र में माँ दुर्गा की गरबा नृत्यों से आराधना के लिए खासकर महिलाओं और युवतियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। शहर में इन दिनों विभिन्न गरबा मंडलियाँ दोपहर व शाम के समय नवरात्र के दौरान दी जाने वाले प्रस्तुतियों की रिहर्सल में जुटी है। शहर के ज्योति नगर में इस वर्ष भी उत्साह से नवरात्र मनाने की तैयारी चल रही है। समिति के इंजीनियर नितिन मालवीय ने बताया कि यहां तीन ग्रुप में गरबों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। बालिका, युवतियां और महिलाएं इसकी तैयारी कर रही हैं। माता भजनों, गीतों पर डांडिया रास की विभिन्न स्टेप्स मुद्राओं में रिहर्सल की जा रही है। नवरात्र में ज्योतिश्वर महादेव मंदिर में होने वाले गरबों के साथ यहां बनने वाला माताजी का पंडाल एवं झांकी शहर सहित समूचे अंचल में आकर्षण का केंद्र होती है। इस वर्ष भी व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये क्या इस बार विशेष रहेगा नवदुर्गा उत्सव? इस बार प्रति वर्ष अनुसार जैसा हम भव्यता से काम करते हैं, हर वर्ष भव्यता से इस पर्व को मनाते हैं, इस बार उसको और अधिक भव्य बनाने का हमने सोच रखा है। इस बार जो हमारा पांडाल बन रहा है उसकी लगभग हाइट 41 फीट रहेगी, जो मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा रहेगा ऐसा हम सोच रहे हैं, और लगभग लगभग ऊंचा साबित रहेगा ही रहेगा। और सबसे सुंदर पांडाल बनाए रहे हैं, पूरा शीश महल के पैटर्न पे बना रहे हैं इसको, कि जैसे ही इसको देखेंगे तो एक शीश महल के टाइप अनुभूति होगी। इसी तरह गरबों में भी हमने इस बार भव्यता के साथ गरबे करने का बनाया है। इसमें प्रतिदिन 9 दिन तक बाहर की टीमें, इंदौर की, महेश्वर की, खंडवा की, मुंबई की, अलग अलग टीमें आएगी, जिससे हमें अलग अलग जगह के, अलग अलग शहरों की संस्कृति, अलग अलग तरह के गरबे देखने को मिलेंगे, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे भी उनको सीख सकेंगे जो अच्छा रहे। उसके साथ में हमारे ज्योति नगर के तीन ग्रुप हैं, जूनियर ग्रुप हैं, युवतियों का ग्रुप है, महिला ग्रुप है, और इस बार हमने सिर्फ ज्योति नगर के बच्चे नहीं लिए, पूरे खरगोन शहर के बच्चे लिए हैं। सबके लिए खुला मंच रखा था, इस बार सभी आते गए, इससे कि शहर के सभी बच्चे एकजुट हो जाएँ, सबके आपस में जान पहचान हो जाए, एक अच्छे से घनत्व तो बड़े संख्या का। और इसके साथ में हमने प्रतिदिन 11:30 बजे के बाद में सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए ओपन खुला रखा है, जो भी एक महिला आके गरबा करना चाहे हमारे पंडाल में रात को 11:30 बजे बाद कर सकते हैं। कितनी बड़ी मूर्ति इस बार पंडाल में रहती है? इस बार हमारी मूर्ति 17 फीट की हाइट रहेगी और पंडाल की हाइट 41 फीट। क्या नाम? मेरा नाम इंजीनियर नितिन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।